हेलो डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स डिस्कस। डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस एंड वर्कशीट नंबर 67। इन दिस वर्कशीट फॉर 13th ऑफ जनवरी 2022 के लिए है। तो प्यारे स्टूडेंट, आज का वर्कशीट हमारा फोर्थ है, जो कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसे। फर्टिलाइजेशन इन प्लांट। अब प्लांट में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इसे हमें समझना है, राइट। तो सबसे पहले जो है ना, हमें प्लांट में जो फर्टिलाइजेशन है इसको समझने के लिए सबसे पहले यहाँ देखिए, ये आपका जो फिगर है, ये जो है ना सबसे, ये फूल का जो उस दिन बीच में का था उसे निकाल के इधर ले आया गया है। और ये VBI है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। यहाँ से आपके डेफिनेटली एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, तो आपको इसको याद रखना है इसे, ठीक है। तो चलिए ये देखिए, द पोलिन ग्रेन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम स्टैमन टू द स्टिग्मा बाई द प्रोसेस ऑफ कॉल पोलिनेशन। यानी पोलिन ग्रेन जो है ना ट्रांसफ़र होता है, कहाँ ट्रांसफ़र फ्रॉम द स्टैमन टू स्टिग्मा। स्टैमन से स्टिग्मा में जो ट्रांसफ़र होता है ये प्रोसेस कहलाता है पॉलिनेशन, ठीक है, याद रखना है आपको, ठीक है। विच कुड ईदर हैपन टू द सेम प्लांट, यानी सेम प्लांट एक ही प्लांट में होते, यानी सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है, और डिफरेंट क्रॉस या फिर क्रॉस पॉलिनेशन होता है, राइट। अब देखिए, पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी डन बाय द हेल्प ऑफ बायोटिक एजेंट। यानी बायोटिक एजेंट यानी क्रॉस पॉलिनेशन होता है, जैसे कि कोई भी की इंसेक्ट है किसी पौधे पे जाकर बैठ गया है उसके फूल पे, ठीक है, फ्लावर पे, तो क्या करता है उसमें टच होकर के आ जाता है, जैसे कि एनिमल है, ह्यूमन बींग है, इंसेक्ट है, ठीक है। तो या फिर हम कह सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन इंसान भी करते हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग भी करते हैं, साथ साथ जितने एनिमल है ये भी करते हैं, इंसेक्ट भी करते हैं, राइट। एज वेल एज द अबायोटिक एजेंट, जैसे एयर से होता है, अबायोटिक में क्या होता है, एयर से होता है, जैसे कोई भी इंसेक्ट वगैरह किसी पौधे पे बैठ गया है तो फूल पे, तो उसमें बैठ करके किसी दूसरे पे बैठ जाएगा, दूसरे पौधे पे जा करके, तो वहाँ एयर या विंड या वाटर, ठीक है, से होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अबायोटिक एजेंट, जो को पॉलिनेशन का होता है, क्रॉस पॉलिनेशन का। व्हेन ए पॉलिन ग्रेन्स रिचेस ए सुटेबल स्टिग्मा, जब पॉलिन ग्रेन जो है ना सुटेबल स्टिग्मा में रिच करता है, इट जर्मिनेट टू फॉर्म ए पॉलिन ट्यूब थ्रू विच द टू मेल गैमिट्स रिच द ओवले। यानी दो मेल गैमिट जो है ना क्या होता है, पहुँचता है। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इन एम्ब्रॉय इज परफॉर्म फॉर्म एंड ओवले कन्वर्ट टू ए सीड डैट कैन अंडर गो अ पीरियड ऑफ द इनएक्टिविटी, यानी डोरमेंसी कहता है, ठीक है, जिसको कहते हैं डोरमेंसी बिफोर द जर्मिनेशन। द ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड रिपेन टू फॉर्म ए फ्रूट, ठीक है। इन मेन वाइल द पीटल्स सीपल्स स्टैमेंस स्टाइल इन स्टिग्मा में श्रेबल एंड फॉल ऑफ, फिर वो क्या होता है, गिर जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है, आपको इसे समझना है, ठीक है। अब देखिए, ये जो कंटेन क्या क्या रखता है, सीड कंटेन ए फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रॉय, यानी फ्यूचर प्लांट यानी दूसरे प्लांट जो कि सेम वैसा ही प्लांट उग जाता है, ठीक है। डेवलप इनटू ए सीडिंग्स अंडर द फेवरेबल्स कंडीशंस बाय द प्रोसेस कॉल्ड द जर्मिनेशंस। सीड्स स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ कोटलीडॉन्स विच हेल्प देम सर्वाइव द डोरमेंसी। यानी कॉटलीडॉन क्या करता है, हेल्प देता है डोरमेंसी पीरियड में। सीड्स कैन ईदर हैव वन कॉटलीडॉन और मोनो कॉटलीडॉन्स और द टू डाइकॉटलीडॉन्स। सीड्स जर्मिनेट्स टू प्रोड्यूस प्लांट, सीड्स क्या करते हैं प्लांट्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, डाइकॉट के प्रोसेस से क्या होता है, जैसे ये एक प्लांट है, ऐसे एक पी है, फिर ये थोड़ा सा होगा, फिर उसके बाद ये होगा, तो ये इसका रूट हो गया, ये इसमें, फिर ये इसका रूट इतना बड़ा हो गया, फिर ये इस तरह लीव्स हो गया, ठीक है, और ये कॉटलीडॉन ये कहलाता है, जो कि इसके बीच का पार्ट होता है, राइट। अब देखिए, इसका बीच का जो पार्ट होता है डियर स्टूडेंट, ये फिर प्रोटेक्टिव से सीथ कन्वर्जिंग सूट होता है, ये देखिए, इसके बाद ये रूट होता है, रूट में ये इस तरह का क्या होता है, बनना शुरू हो जाता है धीरे धीरे, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। रिप्रोडक्शंस इन ह्यूमन विंग में कैसे होता है, इन ह्यूमन विंग्स द एट द वन सेट ऑफ प्यूबर्टी में मैनी चेंजेस अकर इन द बॉडी, बहुत सारे बदलाव होते हैं बॉडी के अंदर। मेल्स एंड फीमेल्स स्टार्ट सिक्रेटिंग द डिफरेंट हारमोन्स, और मेल एंड फीमेल में डिफरेंट हारमोन्स रिलीज होते हैं, जैसे मेल प्रोड्यूस एंड्रोग्रेन, मेल जो है ना एंड्रोग्रेन प्रोड्यूस करता है, जबकि फीमेल्स प्रोड्यूस ओएस्ट्रोग्रेन, ठीक है, ओ प्रोजेस्टेरोन कहते हैं जिसे, ठीक है।
अब ये क्या होता है डियर स्टूडेंट, प्रीडोमिनेंटली इन देयर द एंडोक्राइन ग्लैंड में होता है पहले से ही, द टेस्टिव एंड द ओवरीज भी होता है। तो आपको ये देखना है, दिस इज ए रीजनेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक लाइक द ग्रोथ ऑफ द पब्लिक प्यूबिक हेयर एंड द अटेनमेंट ऑफ द सेक्सुअल मैच्योरिटी और द प्रोडक्टिव ऑर्गन। सम सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट इन द मेल्स एंड फीमेल्स, यानी अलग अलग होते हैं मेल और फीमेल में। ईच ऑफ द फीमेल डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स जिसे और हाई पीचेज का जो बॉयस होते हैं बॉडी शेप्ड एंड मेंसुरेशन, वेयर एज द मेल हास बॉयस द मेल एंड फीमेल्स गैमेट्स प्रोडक्शंस गैमियोटेजिस बिगिंस इन रेस्पेक्टिव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड टेस्ट एंड द ओवरी ड्यूरिंग द प्यूबर्टी ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव एज ऑफ द मेल विच लास्ट हिज लाइफ टाइम्स। स्पर्म्स और मेल्स गैमिट्स आर द प्रोड्यूस हाउएवर इन द फीमेल्स द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये आप सभी को पता होगा, ठीक है। मेनार्क सिग्नल्स प्रोडक्शंस ऑफ द फीमेल्स गैमिट्स ओवा प्रोडक्शंस ऑफ ओवा स्टॉप इन द फीमेल वेन द सी रीचेज द एज ऑफ 40 to 45, यानी 40 to 45 के बाद जो है ना वो बनना ख़त्म हो जाता है। एंड ऑल थिंग्स स्टेज द मेंसुरल साइकिल स्टॉप एंड इट्स प्रेफर टू ए मेनोपॉज, ठीक है। अब इसमें बेहद ही आसान से तीन प्रश्न दिए गए हैं डियर स्टूडेंट, फोर्थ प्रश्न है, इस सभी का एक एक करके सॉल्यूशन देखते हैं। लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट आर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक इन ह्यूमन मेल्स एंड फीमेल्स, क्या सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर दोज कैरेक्टरिस्टिक डेट आर गवर्न बाय द हार्मोन्स रिलीज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, यानी प्यूबर्टी के टाइम पे जो रिलीज होता है, जैसे एंड यूजुअली इज अराउंड 2 years अर्लियर इन द फीमेल्स देन मैन, ठीक है। द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन द मेल्स, जैसे हेयर ग्रोथ करता है फेस इन द फॉर्म ऑफ द बियर्ड एंड मुस्टेज, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ द हिज टेस्टिकल्स हैवियर मस्कुलेचर एडम्स पीपल्स डेवलपमेंट और द लैरिनिक्स बिकम्स द लार्ज रिजल्ट इन द डीपर वॉइस, यानी डीप वॉइस हो जाता है मेल में, ठीक है। जबकि फीमेल में डियर स्टूडेंट सम ऑफ द चेंजेस अपीयर, जैसे डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट लाइटर मस्कुलेचर श्रील एंड द हायर पिच वॉइस, यानी वॉइस आवाज़ में ब्रॉडनिंग ऑफ हिप्स ड्यू टू द फैट डिपोजिशन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है डियर स्टूडेंट, व्हाट डू पॉलिनेटर डू, तो ए पॉलिनेटर इज एनीथिंग दैट हेल्प्स कैरी पॉलन फ्रॉम द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर्स, यानी स्टेमन टू द फीमेल पार्ट ऑफ द अनदर पार्ट ऑफ द फ्लावर्स स्टिग्मा, यानी मेल से जो स्टिग्मा में जो पहुंचता है। सम ऑफ द पॉलिनेटर इंक्लूडिंग द मैनी बीज स्पीसीज इंटेंशनली कलेक्ट पोलिन अदर्स सच एज द मैनी ऑफ द बटरफ्लाइज बर्ड्स एंड बैट्स मूव पोलिन एक्सीडेंटली। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आर पॉलिनेटर रिक्वायर्ड फॉर द सेल्फ पॉलिनेटर सन टू, तो यस, पॉलिनेशंस इज द मूवमेंट ऑफ द मेल पोलिन टू द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर स्टिग्मा। द फर्स्ट स्टेप सक्सेसफुल सीड एंड द फ्रूट प्रोडक्शन बाई द प्लांट एंड सेल्फ पॉलिनेशन इज वेन द इट इज द ट्रांसफर फ्रॉम द अनदर टू स्टिग्मा विद द सिंगल प्लांट, राइट। अब डियर स्टूडेंट ये आपको जो है ना क्या करना है, पिक्चर को ड्रॉ करना, ड्रॉ ए वेल लेवल डाई स्केच ऑफ द फर्टिलाइजिंग पिस्टल्स ऑफ द प्लांट। तो इसमें को आपको क्या करना, इस पिक्चर को ड्रॉ करना, आप इसे आसानी से ड्रॉ कर पाओगे, ठीक है। देख लो इसे, ठीक है, ये पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा, ये मेल जर्म और सेल्स और ये पॉलिन ट्यूब ओवरी सेकेंडरी मसल्स और फीमेल्स गवर्न सेल, ठीक है। लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।